बच्चों आज की कक्षा में हम लोग गणित की कक्षा में समांतर माध्य से संबंधित ही एक महत्वपूर्ण विधि जो हम माध्य विचलन विधि या विचलन माध्य विधि के नाम से जानते हैं, जो इसकी सबसे क्लिष्ट विधि या कठिन विधि के रूप में जानी जाती है, हम इसे बिना लगाए भी साधारण विचलन विधि से सवाल लगा के भी हल कर सकते हैं। लेकिन उसी सवाल को यदि हम इस विचलन माध्य विधि से भी लगाना चाहें तो थोड़ा सा उस विचलन विधि के रिफाइंड रूप में और सुग्राहिता रूप में निकालने के लिए और हल्के रूप में लगा, या हम इसे कहें कि अति लघु विधि से जानकारी प्राप्त करने के लिए, हम इसी सवाल को पिछले दिन हम आपको साधारण विधि से भी बताए थे, विचलन विधि से भी बताए थे, आज हम इसी एकमात्र एक सवाल को आपको माध्य विचलन विधि से समांतर विचलन के विचलन माध्य की विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के तरीके को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, कहीं अगर कोई दिक्कत आती है निसंकोच पूछिएगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमको नकल करके लिख लेना है वर्ग अंतराल। प्यारे बच्चों देखते रहिए, हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम होता है वारंबारता। इसे कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें हमारे आंकड़े में लिखे हुए हैं। अगला कॉलम हम बिना सोचे हुए यह काम करेंगे, वो होगा मध्यमान। प्यारे बच्चों अगले दिन हम लोग मध्यमान निकाल चुके हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 को ध्यान में रखिए। हमने कहीं से अलग से नहीं लाया है डाटा, ये डाटा हमने नकल कर लिया यहाँ से। अब फिर नकल करेंगे इनकी बारंबारता 5, इनकी 12, इनकी 25, इनकी 10 और इनका 8, ये काम करेंगे। मध्यमान निकालना है वो भी हम थोड़ा सा अकल लगाएंगे, बाकी काम नकल से करेंगे। कैसे? 0 से 10 का मध्यमान 5 होगा। कहाँ से आया 5? पता है सबको, 0 × 10 = 2 करेंगे 5। इसका 20 × 10 = 30 = 15, इसका 50 / 25, इन्हें लेंगे 70 / 35 होता है, इन्हें 90 / 45 होता है। प्यारे बच्चों हम लोगों ने मध्यमान निकाल लिया। मध्यमान निकालने के उपरांत हम लोग डी निकालेंगे, डी निकालेंगे जिसे हम कहते हैं विचलन। इसे हम विचलन कहते हैं। ये विचलन डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। आप कहोगे सर यक्स माइनस ए कहाँ से आया? ध्यान से देखो, श्यामपट की तरफ लगाने के लिए आपको समय मिलेंगे। डी बराबर यक्स माइनस ए। आपको प्यारे बच्चों यक्स यहाँ है और ये यफ है। अब आपको ए की प्रॉब्लम आ गई, आप जान रहे हो एक ए मानना हम भूल गए हैं। आइए हम फिर से देखते हैं, यहाँ लिखते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य बेटा, इसमें इस मध्यमान में से याद रखो आँख मिचौनी होती है, सवाल हम गलत करके चले आते हैं। हम मध्यमान में से न मान करके बारंबारता से कोई विचलन कल्पित माध्य मान लेते हैं। दोनों तरह की सेम तरह की फिगर दिख रहे हैं आपको, एक तरह लगभग लगभग बराबर हैं, लेकिन हम याद रखें कभी भी इस प्रकार की गलती हम नहीं करेंगे, हम मध्यमान से ही लेंगे। मध्यमान से मान लीजिए कि हम 25 ले लेते हैं, ए का मान हमारा कितना हो गया 25। आइए हम डी बराबर निकालते हैं, डी बराबर होगा यक्स माइनस ए, और इस चीज़ को कहेंगे क्या हम लोग? विचलन कहेंगे। प्यारे बच्चों इस कल्पित माध्य को ए कहते हैं, मध्यमान को यक्स कहते हैं, बारंबारता को यफ कहते हैं। अब डी निकाल लो, आप हर जगह देखो डी कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। डी बराबर देखो यक्स माइनस ए, यक्स हाथ रखो यहाँ, 5 - 25 बराबर कितना हुआ -20, 15 - 25 बराबर कितना हुआ -10, यहाँ 25 - 25 कितना हुआ 0, 35 - 25 बराबर कितना हुआ 10, 45 - 25 बराबर हुआ 20। ये हो गया, आपको ये निकल गए। अगर हम साधारण विचलन विधि द्वारा निकालते तो हम यहीं पर यफ डी का कालम निकालते, यफ गुणे डी, लेकिन हमें इसे नहीं निकालने हैं, हमें ये इसका और रिफाइंड रूप को निकालना है। हम यहाँ निकालेंगे यू निकालेंगे। प्यारे बच्चों यू बराबर होता है यक्स माइनस ए बटा, एक सूत्र होता है यू बराबर यक्स माइनस ए बटा यच, या
इसी को कहते हैं या U बराबर होता है D बटा H। प्यारे बच्चों कहोगे सब D और H ये कहाँ से आ गए सर जी, D और क्या H, D तो आप प्राप्त कर चुके हो और ये H कहाँ से आ गए। H है हमारी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच डिफरेंस क्या है, इनके बीच अंतर क्या है, 0 से 10 कितने का अंतर है, 0 से 10 के बीच 10 में से 0 घटाओगे उच्च सीमा ने ऋण निम्न सीमा, यच की वैल्यू होती है, यच बराबर होता है उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। हेलो हेलो, चलिए ध्यान से देखते हैं। उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा होता है, जैसा मैं कह रहा था अभी, उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। यहां देखो इसमें से एक जगह किसी का अंतर निकालोगे, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, सब जगह अंतर 10 का है, इसलिए यहां यच का मान क्या हो जाएगा, यच का मान इस सवाल में यच बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है ना। ये आप समझने की बात है, नहीं तो भूल जाओगे घर पे जाने के बाद। देखते हैं हम लोग, जब वीडियो देखते हैं तो ये भूल जाएंगे कहाँ से 10 आया है। देखो यहाँ ऋण 20/10 बराबर आया ऋण 2, फिर ऋण 10/10 बराबर आया ऋण 1, 0/10 बराबर आया 0, 10/10 बराबर आया 1, 20/10 बराबर आया 2। आपको U निकल गया। अब U निकलने के बाद हम लोग यहां निकालते हैं F गुणे U। अब देखिए, अब मजे की बात है, F गुणे U यहां देखो, अब F यहां है और U यहां है, दोनों को गुड़ियाएंगे, 5 × √2 बराबर √10, 12 × √1 बराबर √12, 25 × 0 बराबर 0, 10 × 1 बराबर 10, और 8 × 2 बराबर 16। अब आप सिग्मा एफ यू निकालो, सिग्मा एफ यू निकालो और यहां सिग्मा एफ निकालो, इन्हें जोड़ लो, 25, 5, 30, 10, 40, 42, 42, 8, 50, 10, 60, ये 60 हो गया। ठीक, आ जाओ यहां, एक जगह खाली है, मैं यहां पर निकाल देता हूं, आपको ये जगह रहेगी। यहां देखो एफ यू बराबर जोड़ लो इनको, 12, 10, √22 हुआ और ये 16, 10, 26 हुआ। अब अलग थे, देखो 26 धन आया और √22 आया, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना पाओगे, 4। तो सिग्मा एफ यू का मान कितना हुआ, 4, कितना पा गए, 4, सिग्मा एफ यू मिल गया 4। अब हम लोग सिग्मा एफ यू निकालने के बाद यू बार निकालते हैं, सिग्मा एफ यू निकालने के बाद हम लोग यू बार निकालते हैं, यहाँ चलेंगे यू बार। यू बार बराबर होता है सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यू 4 है और सिग्मा एफ कितना है, 60 है, 60 कटा दो कटेगा, 4 × 4 और ये 15 बराबर कितना हुआ, 1/15 यू बार हो गया, यू बार हो गया आपका कितना, यू बार हो गया 1/15। अब आपको समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य अब निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य m बराबर होता है, यहां इसके लिए सूत्र जो लगाया जाता है, समांतर माध्य ये m बराबर होता है a + HU बार, HU बार होता है,
अब यम बराबर निकाल लो, ए कहाँ है देखो, एक यहाँ है 25, धन यच कहाँ है, यच कहाँ है, यच यहीं था ना, मिटा दिया था हमने, ये 10 था, 10 गुणे यू बार कितना है, यू बार यहीं आया है 1/15 बराबर 25 धन 5 × 10, 5 × 10 आप 5 × 15 2/3 बराबर देखो 25 धन 3 × 2 × 3 का भाग दोगे 0.66666 जाएगा, बराबर हो गया 25.67। दिस इज आंसर, ये आपका उत्तर हुआ। चाहे समांतर माध्य की किसी भी विधि का प्रयोग करोगे, आपको प्रत्येक दशा में समांतर माध्य इतना ही आएगा। चाहे साधारण विधि से लगाओगे, विचलन विधि से लगाओगे, या इस विधि से लगाओगे, इसे आप लगाइएगा। जो पीछे मैं सवाल दिया हूँ 2-3 दिनों से, जो साधारण विधि से लगाने के लिए, चाहे विचलन विधि से लगाने के लिए, उन सवालों के उत्तर आपको पता है। उन्हीं सवालों को इसके जगह पर रख करके, इस विधि का प्रयोग करके आज रिहर्सल कीजिएगा और इस विधि से लगा के हमको दिखाइएगा। ठीक, क्लियर हो गया। आज का होमवर्क वही होगा जो इस तरह के सवालों को, आप पीछे के सवालों को ही इस तरह पर लगाइएगा।